अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काउंटडाउन 5 में खुशामदीद। दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके के वक्त रेडियो एक्टिव एनर्जी पैदा करते हैं जो नजर तो नहीं आती लेकिन जमीन पर मौजूद हर जानदार, ख्वा वो इंसान हो या जानवर, सबके लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के फैलने का सबब बन सकती है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद 5 ऐसे मकामात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जहाँ रेडियो एक्टिविटी के बायस जिंदगी गुजारना मौत को गले लगाने के मुतरादफ है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 5, पैसिफिक ओशन। दोस्तों, पैसिफिक ओशन की कुछ जगह जो पैसिफिक ओशन में ही शुमार होती हैं, इन्हें सन 1946 और 1962 के दौरान न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर तकरीबन 105 एटमॉस्फेरिक और अंडरवाटर एक्सपेरिमेंट्स किए। 1 मार्च 1954 को एक स्पेशल कैसल ब्रावो में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया जिसे 250 मील की दूरी से देखा जा सकता था। ये धमाका इस कदर बड़ा था कि इसके बादल 40 किलोमीटर आसमान तक और चंद ही मिनट्स में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जा फैला। इसके साथ पैसिफिक ओशन में जितने भी छोटे आइलैंड थे वो सब इस न्यूक्लियर धमाके की जद में आकर तबाह हो गए। कैसल ब्रावो के इस टेस्ट के कुछ ही घंटों बाद मिलिट्री को यहाँ से फौरन निकाल लिया गया लेकिन वहाँ के रिहायशी लोगों को किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी गई। इस वक्त के एक अखबार के अदाद शुमार के मुताबिक इस धमाके से तकरीबन 64 आइलैंड सफाई हस्ती से मिट गए। आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्ट की रेडियो एक्टिविटी वहां के मकीन लोगों को असरअंदाज करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों लोग मरने लगे। नंबर 4, वेस्ट आइसोलेशन प्लांट मैक्सिको। दोस्तों, वेस्ट आइसोलेशन प्लांट मैक्सिको में वाकया था। इसकी तारीख कुछ ज्यादा नहीं लेकिन ये माना जाता है कि सन 1999 में इस प्लांट में काम का आगाज हुआ। इस प्लांट का मकसद न्यूक्लियर हथियार के वेस्ट को एक मरकज पर जमा करना था, फिर न्यूक्लियर वेस्ट को जेरे जमीन 13 कंक्रीट और नमक की लेयर्स में बंद करना था। साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसा करने से ये वेस्ट 2035 तक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। इस तरह वेस्ट मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड रहेगा और लोग किसी किस्म के हादसे और नुकसान से महफूज रहेंगे। लेकिन साइंसदानों के पैरों तले जमीन तब निकली जब इन्हें पता चला कि इनका 2035 तक लगाए जाने वाला अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ये तब हुआ जब प्लांट को कामयाबी से वेस्ट स्टोर करते 15 साल बीत चुके थे लेकिन फिर साइंटिस्ट को प्लांट की दीवार से रेडिएशन लीक होती हुई मिली। छानबीन के बाद पता चला कि वेस्ट को स्टोर करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो अनऑर्गेनिक लेदर था। वैसे तो इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये गलती इनको बहुत महंगी पड़ी और प्लांट को $500 मिलियन का नुकसान हुआ। इसीलिए इस प्लांट को टॉक्सिक प्लेसेस में शुमार किया गया है और इसमें जाना मौत के मुँह में जाने के मुतरादिफ है। नंबर 3, चर्च रॉक यूरेनियम मिल। दोस्तों, मेक्सिको में मौजूद चर्च रॉक यूरेनियम मिल को दुनिया की सबसे ज्यादा टॉक्सिक प्लेसेस में शुमार किया जाता है। सन 1979 में इस मिल से काफी तादाद में रेडियो एक्टिव यूरेनियम और वेस्ट पास गुजरने वाले एक दरिया में बह गया। ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम इस दरिया से बहते हुए 80 मील के फासले पर एरिजोना के मकाम नवाजो तक फैल गया। ये काफी सीरियस मामला था क्योंकि यूरेनियम एक ऐसा खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसे जेरे जमीन रखा जाता है। इस इलाके के लोगों पर इसका काफी गहरा असर हुआ, इसलिए इन्होंने इस हादसे के खिलाफ मुहिम चलाई और चर्च रॉक यूरेनियम मिल को बंद करवा दिया। इस हादसे के असरात इतने संगीन थे कि कुछ लोगों को लाइलाज इन्फेक्शन हुआ और जिन मवेशियों और जानवरों ने इस दरिया का यूरेनियम वाला रेडियो एक्टिव पानी पिया वो फौरन मर गए। नंबर 2, फुकुशिमा पावर प्लांट। सन 2011 में जापान को 9.1 की शिद्दत का जलजले का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से जापान में एक भयानक सुनामी आई। इस जलजले और सुनामी के बायस फुकुशिमा पावर प्लांट में बहुत खौफनाक हादसा पेश आया। पावर प्लांट जैसे तैसे करके जलजले से बच निकला लेकिन जो सुनामी आई इसने इसको तहस नहस कर दिया। ये सुनामी इस कदर बड़ा और खौफनाक था कि इसने पावर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचाया। बदकिस्मती प्लांट के 3 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गए और रेडियो एक्टिव मटेरियल और नुकसानदेह वेस्ट पैसिफिक ओशन के इलाके में फैलने लगा।
कुदरती तौर पर प्लांट तो बंद हो गया, लेकिन इससे निकला रेडियो एक्टिव मटेरियल और पानी ने माहौल और इर्द गिर्द के इलाके को बहुत नुकसान पहुंचाया। माहिरीन का कहना है कि इस जगह को नॉर्मल होने के लिए यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल के मुकम्मल खात्मे के लिए 40 साल दरकार हैं। नंबर एक, चेर्नोबिल। दोस्तों अब बात करते हैं चेर्नोबिल की। ये बात है सन 1986 में चेर्नोबिल के मकाम पर होने वाला न्यूक्लियर धमाका जो दुनिया को आज भी खून के आंसू रुलाता है। ये वाकया रात के पैर पेश आया जब न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी के लिए पावर फेलियर का टेस्ट किया जा रहा था। बदकिस्मती से पावर फेलियर के टेस्ट की वजह से असल में सिस्टम फेल हो गया और प्लांट का सेफ्टी सिस्टम काम करना बंद हो गया। इस फेलियर के बाद एक बहुत बड़ा स्टीम यानी बाप का धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से प्लांट में मौजूद रेडियो एक्टिव केमिकल्स हवा में फैल गए और आग भड़क उठी। ये केमिकल वाली आग इतनी खौफनाक थी कि पूरे यूरोप में फैलने लगी। प्लांट में धमाके ने रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह कर दिया। इस ब्लास्ट में तकरीबन 5 मिलियन लोग रेडियो एक्टिविटी का शिकार हुए और मौत के घाट उतर गए। जो लोग जिंदा बच गए इन्हें लाइलाज बीमारियां लाहक हो गईं, जिसमें कैंसर भी शामिल था। इनमें वो डॉक्टर्स, नर्सें और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस ब्लास्ट में जख्मी होने वाले लोगों को छुआ या इनका इलाज किया। इस डेडली वबा की वजह से पूरे यूरोप में डेथ रेट में इजाफा हुआ। चेर्नोबिल को आज भी दुनिया की रेडियो एक्टिव प्लेसेस में शुमार किया जाता है। दोस्तों आपको इन 5 जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा टॉक्सिक लगी, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।